बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएमके टेक्निकल अप चैनल पे। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपना ट्रैफिक पुलिस का चालान ऑनलाइन किस तरीके से जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने फ़िलहाल में ही कोई सिग्नल तोड़ा है या फिर आपके पास हेलमेट नहीं था तो आपका उन्होंने लाइसेंस जब्त कर लिया होगा और उसके बाद आपके पास मोबाइल में मैसेज आया होगा कि आप अपना चालान भरिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपना चालान ऑनलाइन किस तरीके से पे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में आना है और ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है vcourts.gov.in और इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटल योर केस ऑनलाइन ऑन वर्चुअल कोर्ट्स। तो दिल्ली और हरियाणा के लिए आप यहाँ से आसानी से अपना चालान भर सकते हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप जाके कोर्ट से ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप दिल्ली से तो दिल्ली सेलेक्ट करिए, हरियाणा से तो हरियाणा से, तो आप दिल्ली सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों, ये मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपने लाइसेंस बनवाते वक्त आपने जो नंबर वहाँ पे दिया हो, तो यही नंबर डालिए। और आपके जिस मोबाइल पे मैसेज आया होगा कि आपका फ़ाइन कटा है तो आपको ये पेमेंट करनी है, तो वो नंबर यहाँ पे डालिए। तो हम यहाँ पे डालने वाले हैं, यहाँ पे डालने के बाद दोस्तों ये कैप्चा डालेंगे आप। और उसके बाद यहाँ से आप करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं कि आपका फाइन कितना लगा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 300 फाइन है। और इस वीडियो से आप आसानी से अपना फाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मैसेज भी नहीं आया तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वायलेशन कर रखा है, नो लेफ्ट टर्न और नो राइट टर्न। तो इसका चालान मुझे पे करना पड़ रहा है 300 रुपीज़ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफेंस डिटेल्स और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू। तो आप इस व्यू पे क्लिक करें। व्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स लिखी होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका चालान नंबर और कब आपका चालान कटा है और वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑप्शन दे रखी हैं। तो यहाँ से आपको आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद तो यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट करना है, आई विश टू पे द प्रपोज्ड फाइन। अगर आपको अपना फ़ाइन भरना है तो आप इस पर क्लिक करिए। अगर आपको अपने केस से कंटेस्ट करना है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं कोर्ट में, आप अपना वकील भी हायर कर सकते हैं। और अगर आपका मोबाइल नंबर या फिर कुछ कोई डिटेल्स यहाँ पे इनकरेक्ट है तो यहाँ पे आप क्लिक करके फ़ाइन को पे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे आई विश टू पे द प्रपोज्ड फाइन। सो मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, जनरेट ओटीपी। तो आप देख सकते हैं ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हम अपना ओटीपी डालेंगे और उसके बाद यहाँ से करेंगे वेरीफाई ओटीपी। तो ओटीपी आप देख सकते हैं हमारा वेरीफाई हो गया है। और यहाँ पे आने के बाद ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आप इसको अलग ब्राउज़र में जाके यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो मैं यहाँ से एग्री करने वाला हूँ इन दोनों को। और यहाँ से हम करेंगे एक्सेप्ट एंड पे। अब यहाँ पे लिखा रहा आर यू श्योर टू प्रोसीड, क्लिक करिए ओके। तो आप देख सकते हैं ये एसबीआई का पेज खुलने वाला है, यहाँ से हम नेवर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने कार्ड की डिटेल्स डालनी है, तो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। और दोस्तों इसको आप अपने डेबिट कार्ड से ही पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कि आप किसी वॉलेट से आप पे कर सकें। तो यहाँ पे आप अपने कार्ड की डिटेल डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे एक्सपायर ईयर, तो ये है हमारा 81। और ये सीवी नंबर डालेंगे, ये आपके कार्ड के बैक में लिखा होता है पीछे। और यहाँ पे आप डालेंगे कार्ड जिसके नाम से है उसका नाम, जो कार्ड पे नाम लिखा हुआ है। और यहाँ से आप करेंगे पे नाउ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे आएगा। तो यहाँ से आप करेंगे मेक पेमेंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपके पास एक्नॉलेजमेंट पेज आ जाएगा, तो जिसमें आपने अपना चालान अपना पे कर दिया है। तो यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं नीचे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। और इसको आप सेव कर लीजिए अपने
डेस्कटॉप पे। तो दोस्तों ये है, इसको आप सेव कर लीजिए और इसको आप अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए कहीं पे भी। तो ये हमने सेव कर लिया। अब दोस्तों ये जो प्रिंट है, इसका आप एक प्रिंट निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है, ट्रैफिक का है, आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा यहाँ पे, वर्चुअल कोड नंबर आप देख सकते हैं, कोड जस्ट ट्रैफिक, और लाइसेंस नंबर आपका लिखा हुआ है, चलान डिटेल्स, मोबाइल नंबर आपका लिखा हुआ है। सो दोस्तों अब आपको फाइनली इसका प्रिंट निकाल लेना है, और प्रिंट निकालने के बाद जो भी आपका ट्रैफिक पुलिस का जो भी वहाँ पे आपका कोर्ट होगा, जो ये सारी चीज़ें देखता है, तो वहाँ पे आप ये प्रिंट ले जाइए और वहाँ से आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों ये था प्रोसेस पूरा कि आप किस तरीके से अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपना कोर्ट से निकलवा सकते हैं और ऑनलाइन अपना ट्रैफिक चलान ईजिली इस तरीके से आप पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और दोस्तों अगर आपके किसी फ्रेंड ने चालान नहीं भरा है और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ पालन करिए, और दोस्तों आप अपना चालान इस तरीके से आप आसानी से पे कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रहे कि ट्रैफिक नियमों का आपको हमेशा पालन करना चाहिए, क्योंकि वो ये सारे जो नियम हैं आप ही की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी बहुत करिएगा और लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन चली जाए। सो फ्रेंड्स आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड के टेक्निकल चैनल सो डैट वी कैन गिव यू दिस काइंड ऑफ वीडियोज। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।